क्या आप जानते हैं क्रिया योग में गायत्री मंत्र की गायत्री क्रिया के बारे में भी बताया गया है, जो कि इतनी इफेक्टिव है कि इसके थ्रू ना सिर्फ चक्र एक्टिवेट करके उन्हें सात रियलम से जोड़ा जा सकता है, बल्कि इन चक्रों से जुड़े हुए एलिमेंट्स की वाइब्रेशन को भी एक्सपीरियंस किया जा सकता है। क्रिया योग में गायत्री क्रिया को गायत्री मंत्र के सबसे सूक्ष्म रूप में प्रयोग किया जाता है। ये हम सब जानते हैं कि गायत्री मंत्र को स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने का बेस्ट मीडियम माना जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्, जिसका मतलब है हे महान आध्यात्मिक तेज जिसने ब्रह्मांड की रचना की है, हम आपकी महिमा का ध्यान करते हैं। आप ज्ञान के भंडार हैं जो सभी अज्ञानता को दूर करने वाला है। हमें प्रकाश दिखाएं और हमारी अंतर्दृष्टि को जागृत करें। शुरू करने से पहले ये समझ लें कि गायत्री क्रिया क्रिया प्राणायाम के वेरिएशन का ही पार्ट है। वेरिएशन की बात हमने क्रिया योग वाले वीडियो में भी कही है, तो इसे और क्रिया योग के पिछले मेथड को मिक्स करके मत देखें। क्रिया योग में कई वेरिएशन हैं। कई मास्टर्स जैसे परमहंस हरिहरनंद ने खुद क्रिया योग के नए वेरिएशन बनाए हैं। कुछ इंडिविजुअल क्रियाएं भी हैं जिनमें गायत्री क्रिया भी शामिल है। इसे क्रिया प्राणायाम के बाद और खेचरी मुद्रा के साथ भी किया जा सकता है, उससे ये क्रिया और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। क्रिया प्राणायाम और खेचरी मुद्रा के बारे में जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। इस मंत्र की शुरुआत या तो एक छोटे या लंबे इन्वोकेशन से होती है। छोटा इन्वोकेशन है ओम भूर ओम भुवः ओम स्वः, और लंबा इन्वोकेशन है ओम भूर ओम भुवः ओम स्वः ओम मह ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। लंबा इन्वोकेशन ज़्यादा इफेक्टिव और कंप्लीट है, क्योंकि इसमें सात रियलम्स को एक्सेप्ट किया जाता है। इसके अकॉर्डिंग भूर फिजिकल रियलम है, भुवः यूनिवर्सल रियलम है, स्वः कार्णिक कैजुअल रियलम है, महा स्पिरिचुअल बैलेंस का रियलम है, जनः प्योर नॉलेज का रियलम है, तपः अंतर्दृष्टि इंसाइट का रियलम है, सत्यम एब्सोल्यूट ट्रूथ का रियलम है। यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि ये साउंड चक्रों को एक्टिवेट करने और उन्हें सात रियलम से जोड़ने के लिए यूज होती हैं। साउंड की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन कैसे काम करते हैं इसे जानने के लिए आप हमारा ये वीडियो भी देख सकते हैं। क्रिया योग की गायत्री मंत्र क्रिया प्रोसेस में हम सिर्फ शुरुआती लॉन्ग इन्वोकेशन का पूरा फॉर्म यूज करते हैं, ना कि पूरे गायत्री मंत्र के पार्ट्स का। जिस क्रिया ट्रेडिशन को हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं वो मणिपुर चक्र को ओम मह और अनाहत चक्र को ओम स्वः से जोड़ती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ओम मह से इन्वोक होने वाला थिंकिंग वर्ल्ड तीसरे चक्र के नेचर के लिए ज़्यादा सुटेबल है, जबकि ओम स्वः से इन्वोक होने वाला प्योर नॉलेज का कैजुअल वर्ल्ड अनाहत चक्र से जुड़ा हुआ है। लोटस या हाफ लोटस पोज में बैठना है और पूरे टाइम आँखें और मुंह को बंद रखना है। सबसे पहले मूलाधार चक्र के लिए अवेयर रहें। इसके लिए मूल बंध तब तक लगाएं जब तक बैकबोन के नीचे वाइब्रेशन जैसा ना फील होने लगे, जिससे मूलाधार चक्र के पास की फिजिकल मसल्स ऊपर के लिए कॉन्ट्रैक्ट होने लगें। इस कॉन्ट्रैक्शन को 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं, फिर रिलैक्स करें। उसके बाद गहरी सांस लेकर ये विजुलाइज करें कि मूलाधार चक्र की एनर्जी ऊपर उठकर हमारी आईब्रोज के बीच के पॉइंट में आ रही है और वहाँ इसे पूर्णिमा के चांद फुल मून की तरह देखना है। इसे देखने के लिए बस ऐसा भाव करना है। एनर्जी को ऊपर उठाते टाइम और किसी चक्र को टच करते हुए ऊपर नहीं आना है, अभी के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सांस रोकें और आईब्रोज के बीच के इनर स्पेस पर ध्यान सेंट्रलाइज करें। अगर हम इसे खेचरी मुद्रा में कर सकते हैं तो ये आसानी से हो जाता है। अगर खेचरी मुद्रा में हम नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस क्रिया को नहीं कर सकते हैं। खेचरी मुद्रा से बस ये थोड़ा इजी हो जाता है। उसके बाद आईब्रोज के बीच एक स्पेसिफिक कलर रेड जैसा एक्सपीरियंस होता है,
मानसिक रूप से कम 3 बार मूलाधार चक्र के लिए इस मंत्र का जाप करें, ओम भूर। फिर लंबी सांस छोड़ते हुए विजुअलाइज करें कि हम इस चक्र को आईब्रोज के बीच के पॉइंट से उसकी सही जगह पर नीचे ला रहे हैं। यहाँ इस पिक्चर में फिजिकल बॉडी में चक्रों की अप्रॉक्सीमेट पोजीशन को समझ लें और जैसा अभी मूलाधार चक्र के लिए बताया है, सेम उसी प्रोसीजर में बाकी चक्रों के साथ प्रैक्टिस करनी है। आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं इसे हर चक्र के लिए रिपीट करे दे रहा हूं। स्वाधिष्ठान चक्र के लिए अवेयर रहें। स्वाधिष्ठान चक्र के पास की फिजिकल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें, जैसे बजरोली मुद्रा में करते हैं। फिर रिलैक्स करें, उसके बाद गहरी सांस लेकर ये विजुअलाइज करें कि स्वाधिष्ठान चक्र की एनर्जी ऊपर उठकर हमारी आईब्रोज के बीच के पॉइंट में आ रही है और यहाँ इसे फुल मून की तरह देखना है। इसे देखने के लिए बस ऐसा भाव करना है, एनर्जी को ऊपर उठाते टाइम और किसी चक्र को टच करते हुए ऊपर ना आए, अभी के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सांस रोकें और आईब्रोज के बीच के इनर स्पेस पर ध्यान सेंट्रलाइज करें। उसके बाद आईब्रोज के बीच एक स्पेसिफिक कलर ऑरेंज जैसा एक्सपीरियंस होता है। मानसिक रूप से कम 3 बार स्वाधिष्ठान चक्र के लिए इस मंत्र का जाप करें, ओम भुवः। फिर लंबी सांस छोड़ते हुए विजुलाइज करें कि हम इस चक्र को आईब्रोज के बीच के पॉइंट से उसकी सही जगह पर नीचे ला रहे हैं। मणिपुर चक्र के लिए अवेयर रहें। मणिपुर चक्र के पास की फिजिकल मसल्स, जो कि हमारी नाभि के पास और पीछे बैकबोन में लंबर स्पाइन है, उसे कॉन्ट्रैक्ट करें। फिर रिलैक्स करें, उसके बाद गहरी सांस लेकर ये विजुअलाइज करें कि मणिपुर चक्र की एनर्जी ऊपर उठकर हमारी आईब्रोज के बीच के पॉइंट में आ रही है और वहाँ इसे फुल मून की तरह देखना है। इसे देखने के लिए बस ऐसा भाव करना है, एनर्जी को ऊपर उठाते टाइम और किसी चक्र को टच करते हुए ऊपर नहीं आना है, अभी के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सांस रोकें और आईब्रोज के बीच के इनर स्पेस पर ध्यान सेंट्रलाइज करें। उसके बाद आईब्रोज के बीच एक स्पेसिफिक कलर येलो जैसा एक्सपीरियंस होता है। मानसिक रूप से कम 3 बार मणिपुर चक्र के लिए इस मंत्र का जाप करें, ओम महा। फिर लंबी सांस छोड़ते हुए विजुलाइज करें कि हम इस चक्र को आईब्रोज के बीच के पॉइंट से उसकी सही जगह पर नीचे ला रहे हैं। अनाहत चक्र के लिए अवेयर रहें। अनाहत चक्र स्टर्नम के सेंट्रल रीजन के पास है, उसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए शोल्डर ब्लेड्स को एक साथ लाएं और हार्ट के पीछे की बैकबोन पर कॉन्सेंट्रेट करें। फिर रिलैक्स करें, उसके बाद गहरी सांस लेकर ये विजुलाइज करें कि अनाहत चक्र की एनर्जी ऊपर उठकर हमारी आईब्रोज के बीच के पॉइंट में आ रही है, वहाँ इसे फुल मून की तरह देखना है, एनर्जी को ऊपर उठाते टाइम और किसी चक्र को टच करते हुए ऊपर ना आए, अभी के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सांस रोकें और आईब्रोज के बीच के इनर स्पेस पर ध्यान सेंट्रलाइज करें। उसके बाद आईब्रोज के बीच एक स्पेसिफिक कलर ग्रीन जैसा एक्सपीरियंस होता है। मानसिक रूप से कम 3 बार अनाहत चक्र के लिए इस मंत्र का जाप करें, ओम स्वाहा। फिर लंबी सांस छोड़ते हुए विजुलाइज करें कि हम इस चक्र को आईब्रोज के बीच के पॉइंट से उसकी सही जगह पर ला रहे हैं। विशुद्ध चक्र के लिए अवेयर रहें। अपना सिर थोड़ा जल्दी से एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाएं। सर्विकल वर्टेब्री में एक ग्राइंडिंग साउंड फील होगी। ये सिर्फ सर्विकल सेंट्रल को लोकलाइज करने के लिए है। नेक के पीछे की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें, उसके बाद गहरी सांस लेकर यह विजुअलाइज करें कि विशुद्ध चक्र की एनर्जी ऊपर उठकर आईब्रोज के बीच के पॉइंट में आ रही है, वहाँ इसे फुल मून की तरह देखना है, एनर्जी को ऊपर उठाते टाइम और किसी चक्र को टच करते हुए ऊपर नहीं आना है, अभी वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सांस रोकें और आईब्रोज के बीच के इनर स्पेस पर ध्यान सेंट्रलाइज करें। उसके बाद आईब्रोज के बीच एक स्पेसिफिक कलर ब्लू जैसा एक्सपीरियंस होता है।
मानसिक रूप से कम 3 बार विशुद्ध चक्र के लिए इस मंत्र का जाप करें, ओम जनः। फिर लंबी सांस छोड़ते हुए विजुलाइज करें कि हम इस चक्र को आईब्रोज के बीच के पॉइंट से उसकी सही जगह पर वापस ला रहे हैं। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा के लिए अवेयर रहें, इसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है समझ लें। इसके लिए चिन को ऊपर उठाएं। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा जो कि ऑक्सीपिटल लोब के नीचे यहाँ लोकेटेड है, इसे कॉन्ट्रैक्ट करें। दांतों को जोड़ लें और आईब्रोज के बीच लाइट को एक्सपीरियंस करें। मानसिक रूप से कम 3 बार मेड्यूला के लिए इस मंत्र का जाप करें, ओम तपः। फिर लंबी सांस छोड़ते हुए विजुलाइज करें कि हम इस चक्र को आईब्रोज के बीच के पॉइंट से उसकी सही जगह पर पीछे ला रहे हैं। और लास्ट में ध्यान को आईब्रोज के बीच के पॉइंट पर रखें, सांस को रोकें, आईब्रोज को उठाएं और प्रकाश को एक्सपीरियंस करें। मानसिक रूप से कम 3 बार ओम सत्यम मंत्र का जाप करें, फिर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करें। ये 1 राउंड है, अगर पॉसिबल हो तो इस प्रोसेस को 6 से 12 राउंड तक रिपीट कर सकते हैं। हम एक स्पिरिचुअल ब्लिस एक्सपीरियंस करेंगे। आखिरी राउंड के बाद धीरे धीरे अपनी आँखें खोल लें। इस ब्लिस को सबके साथ बांटने का भाव करते हुए परमात्मा का धन्यवाद करें। टाइम के साथ ये पॉसिबल होगा कि हम मानसिक रूप से ओम भूर को 36 बार सांस रोकते हुए रिपीट कर पाएं। इससे हम अर्थ एलिमेंट की वाइब्रेशन का एक्सपीरियंस करेंगे जो मूलाधार चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह ओम भुवः 36 बार दोहराने से हम वाटर एलिमेंट से ट्यून कर पाएंगे जो कि स्वाधिष्ठान चक्र के साथ जुड़ा हुआ है, और ओम महा 36 बार दोहराने से फायर एलिमेंट की वाइब्रेशन का एक्सपीरियंस करेंगे जो मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। ओम स्वाहा 36 बार दोहराने से हम एयर एलिमेंट की वाइब्रेशन का एक्सपीरियंस करेंगे जो कि अनाहत चक्र से जुड़ा हुआ है। और लास्ट में ओम जनह मंत्र को 36 बार दोहराने से स्पेस एलिमेंट से कनेक्ट हो पाएंगे जो कि विशुद्ध चक्र से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखें, ये 5 चक्र ही 5 एलिमेंट से जुड़े हुए हैं, बाकी के चक्र तत्वातीत हैं, वो 5 एलिमेंट को ट्रांसेंड करते हैं। हार्ट चक्र में हम जो लाइट एक्सपीरियंस करते हैं उसका प्रॉपर ओरिजिन कूटस्थ में है, और इसी में हर चक्र की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन होता है। जो प्रोसेस यहाँ एक्सप्लेन की गई है वो इन फ्रीक्वेंसीज से ट्यून करने की ताकत देती है, जिससे हमें ये एक्सपीरियंस होता है कि पूरा ब्रह्मांड कूटस्थ में ही है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर करके और लोगों तक पहुंचने में हेल्प कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।